हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रखे होंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपको और बेहतर बनाने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वैद्युत अपोहन। स्टूडेंट्स, वैद्युत अपोहन की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। याद करिए, इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया। हमने बताया था आपको, बड़ी जल्दी में बताया था कि जो कोलाइडी बिलियन है उसके शुद्धिकरण का क्या मतलब होता है। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया कि शुद्धिकरण की अनेक विधियां हैं, उसमें से एक विधि अपोहन के बारे में हमने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश किया था, याद है ना। अब देखिए, हमने वहां पर आपको अपोहन समझाया। उस अपोहन की बात को अगर जल्दी बाजी में एक बार लपेट दे हम लोग, तो कहेंगे कि एक उपयुक्त झिल्ली लिया, उस झिल्ली का एक थैला लिया, उसमें अशुद्ध कोलाइडी बिलियन को डाला और फिर उसको बहती हुई जल की धारा में डाल दिया। इस तरह से अशुद्धियां जो है झिल्ली के छिद्र से होकर बाहर निकल गई और शुद्ध कोलाइडी बिलियन बच गया। इतनी ही बात हुई थी ना। अब इसको छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई वाली बात बंद, आइए कुछ और बात बतियाते, जरूरी है थोड़ा बहुत आपसे बात भी करना। स्टूडेंट्स, ये देखिए कि अगर आपके घर में कोई एक बच्चा है, मान लीजिए आपके एक छोटा भाई है, छोटी बहन है और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, खाना नहीं खाते हैं, जब डॉक्टर के पास आप लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है भाई इसको खाना खिलाइए, भरपूर सारी चीज़ें खिलाइए। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बिल्कुल खाता ही नहीं, हम क्या करें, परेशान हैं। तो डॉक्टर क्या करता है कि चलो कोई बात, एक सप्लीमेंट लिख देता है, कहते हैं टॉनिक लो, इसे खिलाओ और ये मोटा तगड़ा होगा, इसके थोड़े शरीर में मांस आएंगे। आप ध्यान दीजिए, जो मेन कोर्स था आपका खाना, थोड़ा सा उसको सपोर्ट करने के लिए क्या लिया, आपने टॉनिक लिया। एक दूसरी बात और छोड़ते, इसको भी छोड़ते हैं। मान लीजिए कि हम लोग के घरों में अगर कोई बच्चा बहुत ही कमजोर होता है पढ़ाई में, शरीर से इस बार नहीं, इस बार दिमाग से, तो जब कमजोर होता है तो गार्जियन क्या करते हैं, गार्जियन करते हैं कि उसको एक प्राइवेट ट्यूटर लगाते हैं, बोलते कि नहीं ये कोचिंग करेगा, ट्यूशन करेगा। क्यों? ताकि वो पढ़ाई में बेहतर हो सके, यही कारण है ना, कि और कोई कारण है? क्यों, शौक से हम लोग नहीं, हमारे दिमाग में क्या है कि ट्यूटर आएगा हमारे घर पे, हमें जब पढ़ाएगा तो मुझे बेहतर बनाएगा अपने विषयों में, मुझे जानकारी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। उसी तरह से जब डॉक्टर ने आप लोग आपको सप्लीमेंट के रूप में जब टॉनिक लिखा, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि टॉनिक इसको और ताकत देगी, ये ऊर्जावान होगा, बस इतना ही था ना। अब आइए, अब इस बात को भी साइड करिए, अब आइए सब्जेक्ट पर और को रिलेट करके देखिए तो आपको मजा आएगा रियली। अपोहन के बारे में हमने आपको बताया। स्टूडेंट्स, अपोहन मान लो बहुत ही स्लो हो रही है, एकदम धीमे 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 हो रही है। आपके मन में चला यार क्या प्रक्रिया, 10 मिनट की जगह अगर 2 घंटा लगता है तो आप तो उबेंगे। तो आप चाह रहे हैं कि अपोहन की क्रिया फास्ट हो जाए, तो क्या करें? भाई होता तो कहते टॉनिक पिला देते हैं, बहन कोई पढ़ने में कमजोर होती तो आप बोलते हैं चलो इसको रोज 1 घंटा मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन तो अपोहन की क्रिया है, उस धीमे चल रहा है उसको फास्ट करना है। तो ये जिम्मेवारी वैज्ञानिकों की आई, रिसर्च करने वालों की आई कि अपोहन की क्रिया को तेज कैसे किया जाए। और अपोहन की क्रिया को तेज करने के लिए जिस मेथड का उपयोग किया जाता है उसका नाम है अब वैद्युत अपोहन इलेक्ट्रोडायलिसिस। मतलब डायलिसिस की क्रिया तेज करने के लिए ही इलेक्ट्रोडायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमने डायलिसिस समझा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कि उसको पढ़ना जरूरी है, अगर हमने डायलिसिस समझा हुआ है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस कुछ नहीं है, बस चुटकियों बजा के होगा। देखिए कैसे चुटकी बजा के होता है। तो सबसे पहला लाइन में लिखना चाहूंगा आपके लिए, अपोहन की क्रिया
बहुत ही धीमे गति से होती है। एक पहले वाले टॉपिक की बात हो गई कि अपोहन की क्रिया धीमे गति से होती है, ये समस्या हुई तो हमको इसका समाधान ढूंढना है। तो अपोहन की क्रिया को तेज करने के लिए ही वैद्युत अपोहन का उपयोग किया जाता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अपोहन माने डायलिसिस, अपोहन माने डायलिसिस की क्रिया। और सब स्टूडेंट्स कुछ सुनाओ अपना क्या हाल चाल है, कुछ कमेंट बॉक्स वगैरह में की क्रिया को तेज करने के लिए वैद्युत अपोहन का उपयोग किया जाता है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ जो कि बहुत जरूरी है कि अपोहन तो समझ रहे हैं, ये वैद्युत अपोहन क्या है? तो मैं हूं एकदम रिलैक्स, ये कूल डाउन रही है। देखिए सारा प्रक्रिया अपोहन का है, सिर्फ उसमें क्या करते हैं विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं जो पात्र लिए थे, उसको मैं चित्र बना के दिखाऊंगा। लेकिन इस क्रिया को खासकर तब उपयोग में लाया जाता है जब अशुद्धि के रूप में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो ज्यादा मात्रा में। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया अपनी बहन के लिए कि मैथ का ट्यूटर रख दिया, इसका क्या मतलब निकला? वो मैथ में कमजोर थी? अगर आपको लगता है कि नहीं उसका मैथ बहुत ही तगड़ा है, थोड़ा उसका ना जो संस्कृत है मान लीजिए बहुत ही वीक है, आप चाहते हैं कि नहीं संस्कृत हमारे जो भाई बहन है वो पढ़ें, तो आपने एक संस्कृत का ट्यूटर रख दिया। मतलब आप अटैक वहां कर रहे हैं जहां पे आपका कमजोर पक्ष है। तो कमजोर पक्ष हमारा क्या था, ये विद्युत जो डायलिसिस है स्लो हो रही है तो अब उसको तेज करना है। तो वैद्युत अपोहन, तो वैद्युत अपोहन वाला जो ये ट्यूटर कब लगाएं, तो अशुद्धि के रूप में जब इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो, वैद्युत अपघट्य मौजूद हो। इस विधि का यूज का उपयोग लिखिए, उपयोग विशेषकर विशेषकर तब किया जाता है जब कोलाइडल सॉल्यूशन में अशुद्धि के रूप में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो, इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य, मतलब वैद्युत अपघट्य का मतलब कि जिस द्रव से चाहे जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं ना, वैद्युत अपघट्य मौजूद हो। आपने यहां पर तीन बात सीखा, एक जनरल की अपोहन के गुण की धीमी गति से होता है, दूसरा उसको दूर करने के लिए आपने वैद्युत अपोहन का उपयोग किया, और तीसरी बात हम लोगों ने सीखा कि कौन से केस में, देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके दिमाग में चल रहा है ना, कौन से केस में कौन सी स्थिति में आप वैद्युत अपोहन का यूज करने वाले हैं, इस मेथड का उपयोग करने वाले हैं। अब आते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो देखिए पहले मैं चित्र बनाऊंगा, चित्र को देखेंगे आप उधर समझेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं। हमारे पास यह एक पात्र है और इस पात्र में हमने क्या किया, यहां से शुद्ध जल डाला,
जल है, जैसे है जल है तो प्योर है, शुद्ध है। यहां से जल इधर गया और जल इसमें आकर के भर गया, लेकिन हमने क्या किया कि इसके बीच में एकदम सेमी टू सेम है स्टूडेंट्स, कोई इसमें अलग से चीज नहीं है। इसमें हमने कोलाइडी बिलियन भरा और ये कैसा है तो अशुद्ध कोलाइडी बिलियन है। इम्प्योर कोलाइडी अशुद्ध है, कोलाइडल शॉल है ये। किसी आपको लग रहा है कि बोतल है, ये बोतल ही मान लीजिए, हालांकि इसको हम लोग मैं इसके लिए शब्द का प्रयोग करूंगा, ये थैला है हमारे लिए, एक तरह से झिल्ली है। ये जो है झिल्ली है, और कौन सी झिल्ली तो एनिमल झिल्ली मान लीजिए, एनिमल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ थैला। आप सोच रहे होंगे ये तो अजीबो गरीब थैला, आपको थैला मान के चलना है, एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ थैला। अब आपने क्या किया तो यहां से पानी इसमें छोड़ दिया है। अब देखिए इसमें पानी आ रहा है, तो यहां तक तो कहानी हुई ही थी, इसी का नाम तो अपोहन है ना। यहां से पानी निकल रहा है, ये जल है अशुद्ध जल, अशुद्ध जल। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ, तो अब देखिए यहां से आपको पता चला कि एक्स्ट्रा क्या हुआ। आपने इधर लगाया एक धनावेशित इलेक्ट्रोड और एक तरफ लगाया आपने ऋणावेशित इलेक्ट्रोड। अब क्या हुआ जरा देखिए, क्या मजा आने वाला है। इसमें आवेश, जब वैद्युत अपघट है तो आवेशित अशुद्धियां होंगी। तो मान लीजिए एक पल के लिए, मान लीजिए मैं दूसरे कलर का उपयोग करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि इसमें माइनस अशुद्धियां हैं, तो माइनस अशुद्धियां तुरंत इधर प्लस की तरफ खींचा जाएंगे। अगर इसमें प्लस अशुद्धियां हैं तो वो नेगेटिव पोल की तरफ खींचा जाएंगे और तुरंत ही अशुद्धियां सब क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी, क्योंकि इधर जो है आपके पास प्लस आवेश उत्पन्न हो गया है, प्लस आवेश वाला आपने प्लेट लगा दिया और एक तरफ आपने माइनस आवेश वाला प्लेट लगा दिया। आप यूँ समझ जाइए स्टूडेंट्स की बालू है, बालू में लोहा के छोटे छोटे बुरादे लगे हुए हैं, आप एक एक करके बीन रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, आपने दिमाग लगाया यार लोहा ही है तो क्यों ना इसमें चुंबक डाल दो, चुंबक डाल के लाया सारा लोहा का बुरा चिपक के आ गया चुंबक में। तो सेम टू सेम सोचो ना, इसमें अशुद्धि है और अशुद्धि पे एक आवेश है, तो आवेश या तो धन आवेशित होगा, ऋण आवेशित होगा, या दोनों होगा, कुछ तो होगा। तो अब यहां पे जो आवेश है, मान लीजिए कि इसमें ऋण आवेशित है तो सब धन आवेशित प्लेट की तरह आकर्षित हो जाएंगे, अगर इसमें ऋण आवेश है तो सब धनावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, तुरंत निकल जाएगा। इसी का नाम है इलेक्ट्रोड डायलिसिस, वैद्युत अपोहन। तो क्या लिखेंगे, तो वही बात है, उतनी ही सी है जो वहां पर लिखे थे हम लोग, बस थोड़ा सा एक दो लाइन और लिख देते हैं। इस विधि में देखिए क्या करते हैं, बहती हुई पहले लिख देते हैं, करते हैं इस विधि में उपयुक्त झिल्ली के थैले में अशुद्ध कोलाइडी बिलियन बनाते हैं। कोलाइडी बिलियन भर लेते हैं। पहला काम हो गया, थैला में अपने अशुद्ध कोलाइडी बिलियन ले लिया। अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए इसको बहती हुई
बहती हुई जल की धारा में डुबो देते हैं। तेज बहती हुई जल की धारा होनी चाहिए। फिर क्या करते हैं, जल में विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, धन आवेशित प्लेट और ऋण आवेशित प्लेट लगा देते हैं। जल में विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं आवेशित जिससे आवेशित अशुद्धियां अशुद्ध पदार्थ तुरंत विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं और जल के साथ बह जाते हैं और क्लोराइड शुद्ध हो जाता है। इतना होता है स्टूडेंट्स, फिर आगे बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब वैद्युत अपोहन के बाद तीसरा जो है कोलाइडी बिलियन को शुद्ध करने की विधि, उसका नाम है अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक शब्द आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, निस्यंदक शब्द है तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फिल्टर इसका मतलब होता है छाननी, फिल्टर, बस इतना ही जानना है इसके बारे में। फिल्टर छान लेने वाली चीज को क्या कहते हैं, निस्यंदक। भारी, बहुत ही भारी शब्द हिंदी का लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में अवगत करा दूं। अब आते हैं, समझते हैं क्या है अति सूक्ष्म निस्यंदन, ये विधि कौन सी है और कैसे कोलाइडी बिलियन को इसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आप यहां देखिए, ये एक साधारण सा मान लीजिए कि कोई फिल्टर पेपर है, चित्र के माध्यम से स्टूडेंट समझ लीजिए, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, साधारण साधारण निस्यंदक कह दूं, अब चलेगा ना, निस्यंदक मतलब ऑर्डिनरी ये फिल्टर हो गया। अब इसकी क्या खास बात है कि अगर यहां से ये है कोलाइडी का कण इतना बड़ा, तो कोलाइडी के कण जब यहां से चलकर और यहां पर आता है तो इससे ये बड़ा छिद्र होता है। तो होता क्या है कि यहां से होते हुए होते ये नीचे निकल जाता है कोलाइडी का कण। तो अब बताइए कि छन पाएगा ये कोलाइडी कण हो गया, कोलाइडल पार्टिकल हो गया। तो ये तो नीचे निकल गया कोलाइडी कण, ये कोलाइडल पार्टिकल। अब बताइए कि इससे इसको छान पाएंगे, तो आपका जवाब होगा नहीं, इसमें छिद्र जो है बहुत मोटा मोटा है और उसमें जो कण है उसके तुलना में छोटा है। तो साधारण जो फिल्टर पेपर है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं,
ताकि आप समझ सकें, ये है आपका ऑर्डिनरी फिल्टर और डी नरी लिख देते हैं ऑर्डिनरी, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्लोराइडिक कण ऊपर से नीचे आया, एकदम रिलैक्स वे में समझिए, इसका मतलब कि साधारण फिल्टर पेपर से क्लोराइडिक विलयन को नहीं शुद्ध किया जा सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब करते क्या हैं, इस साधारण फिल्टर को गुजार देते हैं कोलोडियन विलयन। अब क्या है कोलोडियन विलयन, एक नया चीज आ गया, कोलोडियन, कोलोडियन से एक तरह का ये विलयन है, ठीक है। इसको अगर अंग्रेजी में भी लिखें हम लोग तो COLLO कोलोडियन, कोलोडियन हो गया। तो कोलोडियन से इसको गुजार देते हैं, गुजारने से होता क्या है जरा अब यहां समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिल्टर तो वही है साधारण जो फिल्टर है, थोड़ा सीधा सीधा खींचना है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि छिद्र थोड़ा थोड़ा भर जाता है, कोलोडियन में जब डाल देते हैं तो छिद्र भर के क्या हो जाता है, पहले से छोटा हो जाता है। यहां छिद्र बड़ा है, अब छिद्र क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा छिद्र। अब यहां से कोलोडियन का फिर कण गुजारी, ये कण है, तो जैसे ही अब यहां पर आएगा, अब यहां पर आके क्या होगा, फंस जाएगा, क्योंकि कण साइज क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। यह है आपका कोलाइडल पार्टिकल हो गया। तो जो कोलाइडल पार्टिकल यहां पर छन गया, मतलब नीचे वो नहीं आ पाएगा। लेकिन इसमें अभी भी एक दिक्कत होती है, ये मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसको हार्ड कैसे बनाए, तो फिर इसको गुजार देते हैं आप 4% सॉरी इसको फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड से गुजार देते हैं। तो ये जो आपका फिल्टर है, छोटा तो पहले ही हो चुका था छिद्र, अब ये क्या हुआ, तो कठोर हो गया। ये छिद्र जो है ना, छोटा हो चुका था, अभी हो गया कैसा, तो हार्ड हो गया। हार्ड कठोर, तो कठोर हो गया, तो आराम से इसे छानने के काम में अगर यहां पर कोई कण है, यहां आएगा 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 और यहां जाके छन जाएगा। तो इस ये जो बना, अब ये बना अति सूक्ष्म निस्यंदक, अति सूक्ष्म निस्यंदक बन गया स्टूडेंट्स। उस समय से पता नहीं आप लोग बोर हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं अब, लेकिन आपको मुझे पक्का यकीन है कि कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए, आप हमारे पास एक कपड़ा है, मैं इसको कपड़े के सहायता से आपको दिखा रहा हूं, इससे एक्चुअली मैं बोर्ड पहुंचता हूं। इसमें छिद्र है महीन महीन, अब हमने इसको ऐसे पकड़ा, इसके पे कोलाइडी विलयन रखा, तो जब कोलाइडी विलयन हमने रखा तो कोलाइडी के जो कण हैं इस कपड़े के छिद्र से भी छोटे हैं, तो कोलाइडी विलयन ऊपर से डालेंगे और नीचे निकल जाएगा, और अशुद्धि तो और छोटा था, जब कोलाइडी ये पास कर गया, कोलाइडी का कण ही, तो अशुद्धि तो और पहले पास करेगा ना, तो कोलाइडी का कण पास कर गया, अशुद्धि तो ये काम हमारे लायक नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, खासकर के कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको एगो कोलोडियन विलयन होता है, क्या होता है मैं अभी तुरंत बता रहा हूं, कोलोडियन विलयन में इसको जाकर डाल दिया और इसको निकाला। तो जब कोलोडियन विलयन में डाल के निकाले तो इसके जो छिद्र थे, महीन छिद्र, वो थोड़े भर गए किनारे से इस तरह से,
तो जब भर गए तो छिद्र क्या हो गया, छोटा छोटा। अब कोलोडियन बिलियन उसमें जाके फंस जाएगा, हाँ, अशुद्धि के कण अभी भी यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हम बात करें अशुद्धि के कण, अगर बहुत छोटा कण है ये, तो आराम से यहाँ से क्या होगा, तो ये निकल जाएगा, ये अशुद्धि के कण। अशुद्धि जो है ऊपर से नीचे चला आएगा। अब लेकिन ये मुलायम हो गया है कोलोडियन में डुबाने के बाद, तो अब के इसको हार्ड बनाना है, तो फिर इसको फॉर्मल्डिहाइड में डुबाए और फिर उसको सुखा देते हैं। बस ये कठोर हो जाता है, इसके जो छिद्र हैं वो भी छोटे हो चुके हैं, अब वो फर्म जो कोलाइडी बिलियन है उसको छानने लायक हो जाता है। इतना प्रक्रिया का नाम होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। लेकिन बीच में क्वेश्चन खड़ा हो गया, कोलोडियन बिलियन क्या है? तो आइए पहले इसको बता देते हैं, कोलोडियन एक तरह का बिलियन है। तो बिलियन जब होगा तो कम से कम, ये तो बिलियन तो मिश्रण होता है, तो कम से कम दो पदार्थ होंगे। यह एक प्रकार का बिलियन है। तो किस चीज का बिलियन है ये जानना है ना, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें है ईथर प्लस अल्कोहल और साथ ही साथ 4% नाइट्रो सेलुलोज। चार, देखिए अल्कोहल, ईथर और उसमें 4% नाइट्रो सेलुलोज के मिश्रण को कोलोडियन कहते हैं। आप समझ गए कोलोडियन क्या है? तो ईथर, अल्कोहल और 4% नाइट्रो सेलुलोज का जो मिश्रण है उसको कोलोडियन कहते हैं। तो कोई साधारण फिल्टर पेपर होगा उसको कोलोडियन में डाल देंगे, उसका छिद्र जो हो जाएगा भर जाएगा और छोटा छोटा हो जाएगा। लेकिन फिल्टर पेपर इसमें डालने से मुलायम हो जाएगा, उसको क्या करेंगे फिर फॉर्मल्डिहाइड में डाल लेते हैं, उसका जो अब हो जाता है फिल्टर पेपर कठोर हार्ड हो जाता है, फिर उसको धूप में सुखा लेते हैं और छानते हैं। इससे क्या छनता है? तो केवल याद रखिएगा कि ये कोलाइडी कण है, वही केवल छन जाता है, कोलाइडी कण ये छन जाता है, बाकी सारा चीज उसमें से द्रव वगैरह जो कुछ होता है वो सब नीचे आ जाता है। फिर क्या करते हैं, कोलाइडी कण को इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें परिक्षेपण माध्यम मिला लेते हैं, शुद्ध कोलाइडी बिलियन प्राप्त होता है। तो इतना को स्टूडेंट्स पहले उतारिए और फिर उसके बाद लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक जिम्मेवारी देने वाला हूँ, अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या है ये आपको लिखना है। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और पाउच कर करके वीडियो आप लिख लीजिएगा, आपको जहाँ लगे कि आपको ज़रूरत है। क्या लिखेंगे? साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र का साइज बड़ा आकार का होता है, जिसके कारण उस छिद्र से कोलाइडी के कण गुजर जाते हैं, अतः साधारण पेपर फिल्टर पेपर से कोलाइडी बिलियन को नहीं छाना जा सकता, उससे उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसके लिए साधारण फिल्टर पेपर को कोलोडियन बिलियन में डुबा देते हैं। इससे होता यह है कि साधारण फिल्टर पेपर का छिद्र का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन फिल्टर पेपर मुलायम हो जाता है कोलोडियन बिलियन में डुबाने के बाद। तो फिल्टर पेपर को कठोर बनाने के लिए उसके बाद इसको फॉर्मल्डिहाइड में डुबा लेते हैं और फिर उसको सुखा देते हैं। इस तरह से एक अति सूक्ष्म निस्यंदक तैयार हो जाता है। इस अति सूक्ष्म निस्यंदक के ऊपर अशुद्ध कोलाइडी बिलियन रख देते हैं।
जिससे जितनी भी अशुद्धियां होती हैं और उसमें परिक्षेपण माध्यम होता है वो सब अति सूक्ष्म निस्यंदक से होके गुजर जाता है और फिल्टर पेपर पर केवल और केवल कोलाइडी के कण ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद कोलाइडी के कण को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लिया जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लिख लेंगे। अब आइए मैं दो बातें आपसे शेयर करूंगा। एक, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, सुना है कि बहुत सारे लोग के पास जो कपड़ा होता है सूती वगैरह के, खास करके विशेषकर कुर्ता धोती पहनने वाले जो लोग हैं आज भी शौकीन, वो क्या करते हैं कपड़े को जब साफ करते हैं तो उसके बाद जो माड़ होता है ना, भात से निकलने वाला जो माड़ होता है उसका घोल तैयार करके उसमें डुबा देते हैं। डुबा के सुखा के जब वो आयरन करते हैं तो कपड़ा बिल्कुल जो होता है ना कड़ा हो जाता है। क्या आपने ऐसी कोई घटना देखी सुनी है? खास करके आप अपने घर में पता लगाइएगा, सूती साड़ी पहनने वाली जो औरतें हैं उनको ये जरूर पता है। अब आइए सवाल ये है कि वो कड़ा क्यों हुआ। तो आपने कोलोडियन विलयन के बारे में क्या लिखा कि कोलोडियन विलयन क्या है? तो आपने 4% नाइट्रोसेलुलोज है आपने मिलाया अल्कोहल ईथर में, 4% नाइट्रोसेलुलोज, अरे वही तो एक तरह से माड़ है। अब आइए दूसरी चीज, तो आप फिर नीचे लिख लेंगे कोलोडियन के बारे में अलग से, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ईथर प्लस अल्कोहल और प्लस 4% क्या है तो नाइट्रोसेलुलोज के मिश्रण को जो हम लोग क्या कहते हैं तो कोलोडियन कहते हैं। अब आइए दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। स्टूडेंट्स आप लोगों ने कभी रोड साइड खड़ा हुई है चाय के दुकान पे, स्टॉल लगा होता है, बहुत सारे भीड़ लगे होते हैं, लोग चाय का ऑर्डर देते हैं, पीते हैं, मजे लेते हैं, आपको केवल देखना है पीना नहीं है। जब चाय बनाने वाले जब चाय छानते हैं तो देखिए वो क्या करते हैं, उनके नीचे एक बड़ा सा छन्नी होता है, उसमें बहुत सारा चाय पत्ती होता है, वो छानते हैं, नीचे चाय गिरते जाता है, लोग को देते जाते हैं और अंत में क्या करते हैं उस पर चम्मच से उस चाय छन्नी को ऊपर दबाते हैं, जो चाय पत्तियाँ होती हैं ना छन्नी में उसको चम्मच से दबाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता चल रहा है, चाय छान रहे थे, आप घर पे भी करके देख सकते हो कि आपके जो चाय छन्नी है उसमें बहुत सारी चाय पत्ती इकट्ठी हो गई, तो क्या करो उसको अब थोड़ा चम्मच से प्रेस करो तो थोड़ा सा उसमें से और चाय नीचे टपक जाएगा। ऐसा आप समझ गए। अब यहां मैं आपको क्या बताने वाला हूं, एक तरह से आप देखिए ध्यान से तो ठीक है आपका चाय छन्नी उतना बढ़िया निस्यंदक नहीं है, लेकिन तो छानने की क्रिया ही हो रही है ना, तो छानने की जो क्रिया, जो निस्यंदन की जो क्रिया है वो धीमे हो रही थी, तो आपने जब ऊपर से प्रेशर लगाया तो प्रक्रिया क्या हो गई, फास्ट हो गई। बस आप समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूं, जो अति सूक्ष्म निस्यंदन है इसकी क्रिया को तेज करने के लिए, चौक ले लूं, अति सूक्ष्म निस्यंदक की क्रिया को तेज करने के लिए प्रेशर का उपयोग, दाब लगाया जाता है ऊपर से तो फास्ट होती है, अथवा चूषण लगा देते हैं, माने जो नीचे से खींच ले उसको, नीचे से क्या करें उसको खींच ले। तो एक लाइन लिखना जरूर चाहेंगे हम, अति सूक्ष्म निस्यंदन की क्रिया को फास्ट करने के लिए प्रेशर दाब या चूषण, चूषण माने उसको चूसे, उसको शक करे या चूषण का उपयोग किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी समाप्त हुआ कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण। मुझे एक आप लोग से शिकायत है थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अति सूक्ष्म निस्यंदन बताया, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको हो सकता है कि कहीं पर हमारी बातें क्लियर न समझ में आई हो,
हो सकता है कि वो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बुक क्या कहना चाहता है, ये रूल क्या कहना चाहता है, कन्फर्म उसका एक इमेज न बन रहा हो, एक फिगर न बन रहा हो। और फिर भी उसके बावजूद आप, मैं देखता हूँ कि कभी भी आप में से कोई स्टूडेंट्स ये नहीं कहता कि ये नहीं समझ में आया, इसका एक बार फिर से वीडियो बनना चाहिए या इसको फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा क्लियर करिए। इस चीज़ का मुझे शिकायत है आप लोगों से। अगर स्टूडेंट्स देखो ठीक है, दूर का रिश्ता है, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तो क्या हो जाता उससे? हम ये चाहते हैं कि मैं आपको अपनी बातें समझा लूं, तो हो सकता है कि मैं असफल हूं इस वीडियो में, मे बी। तो आप अपनी तरफ से सिर्फ इतना करिए कि एक बार बोले कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, जब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो पहले उसको बता के तब आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे अति सूक्ष्म निस्यंदन के बारे में ही बात करें तो क्या है, कुलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधि है। इस विधि में एक फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर का जो साधारण फिल्टर पेपर लेते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उसके छिद्र बड़े बड़े होते हैं, कुलाइडी के कण उसमें से घुस के उस पर निकल जाते हैं। यार तो ये किसी काम का नहीं रहा हमारे लिए फिल्टर पेपर। तो अब क्या करते हैं हम, उसके छिद्र छोटा करने का उपाय ढूंढने लगते हैं। छोटा कैसे करें? तो छोटा करने के लिए आपके पास एक बिलियन बनाया है कोलोडियन, हाँ एक बार और जिलेटिन से भी डुबा के ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर कोलोडियन या जिलेटिन, तो कोलोडियन से या जिलेटिन से उसको डुबा दीजिए, डुबाइएगा तो जो छिद्र जो बड़ा बड़ा दिख रहा था छोटा छोटा हो जाएगा। अब छिद्र छोटा हो गया तो कोलाडी के कण जाके फंस जाएगा, लेकिन जैसे ही कोलोडियन में डुबाते हैं बस आपका फिल्टर पेपर हो जाता है मुलायम, सॉफ्ट, बिल्कुल आपके स्वभाव की तरह। तो अब क्या करें, तो उसको हार्ड बनाना है। हार्ड बनाने के लिए कहाँ डुबा देते हैं? फिर फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड में डुबा करके फिर सुखा लेते हैं। अब आपका एक अल्ट्रा फिल्टर जो है पेपर तैयार हो गया। अब आराम से ऊपर अशुद्ध कुलाइडी विलयन डालिए, कुलाइडी विलयन डालिएगा सारा, उसमें परिक्षेपण माध्यम, घुली हुई अशुद्धियां सब नीचे आएंगे सिवाय किसके, कुलाइडी कण के। कुलाइडी कण ऊपर आ गया, सारी चीजें नीचे आ गई। अब क्या करना है, अब अशुद्धियां सब फेंको भाई, हमारे किसी काम की नहीं रही। अब कुलाइडी कण केवल इकट्ठा रहा, अब उस कुलाइडी कण को क्या करेंगे हम लोग, परिक्षेपण माध्यम में जाकर के डाल देंगे। परिक्षेपण माध्यम में मिला दिए, मजे से आपका तैयार हो गया। क्या आपके पास शुद्ध कुलाइडी विलयन तैयार हो गया। और इस क्रिया को तेज करने के लिए ऊपर से प्रेशर डालिए ताकि वो जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जाए, या चूषण नीचे ही लगा दीजिए, चूषण जो खींच करके उसको जल्दी से क्या कर दे, निकाल दे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मुझे पक्का यकीन है, चाहे आप कहीं हो, आपके करीब, आपके दिलों में मैं हूँ, आप हमारे दिलों में हैं, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पर थोड़ी बहुत सुधार किया जा सकता है। तो हमने आपसे पहले कहा था बहुत सारे वीडियो में, मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपके लिए सबसे बेहतर टीचर बनना चाहता हूँ, आपका वन ऑफ द बेस्ट टीचर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे खुद की भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव करने की आवश्यकता होगी। तो आप मुझे थोड़े से आप जब हिंट्स देंगे ना एक लाइन कि ये करने की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। क्योंकि आपका लाइफ जो है ना, वो हम, मैं चाहता हूँ कि जब आपके लाइफ बने तो आप कहीं ना कहीं एक बार नाम लें कि हाँ इस टीचर का भी योगदान है। और जिस दिन आपने ऐसा कहा किसी मन से, किसी मित्र से, किसी दोस्त से, समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ सफल हो गया। तो मुझे यकीन है कि आप मुझे खुद सफल होंगे तो मैं आप सफल हो जाता हूँ। अपना ख्याल रखना स्टूडेंट्स, बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, अपने घर के लोगों का, आसपास का। और फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।